अभी जगह है क्या? पता नहीं इन चीलों ने और क्या राज छुपा रखे, मुझे पता करना होगा। ये सब कुछ इतना अजीब क्यों है? ये जगह है क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोला था ना मुझसे नहीं जीत पाओगे। याक। थक गए? इतना ऊपर चढ़ते चढ़ते पानी पियोगे? हाँ एक्चुअली ठंडा पानी मिल जाता ना तो बहुत अच्छा हो जाता। नहीं ठीक है। तो बताओ क्या आफत आ गई है जो एक नाग एक मोरनी और एक चील को साथ आना पड़ा, वो भी मेरे पास, जो चीलों में सबसे क्रूर निर्दयी और खूंखार कहलाता है। उस चील के पास आए हो तुम? शकुरा जी। शकुरा जी, हम तुम्हारे लिए डील लेकर आए हैं। डील? सौदा सौदा। इसलिए हंसने से अच्छा है हमारी बात सुन लो, तुम्हारे फायदे में होगी। जरूर मोरनी जी, जरूर। जो काम तुम्हें हमारे लिए करना है उसके लिए तुम्हें अपनी शक्ल बदलनी होगी, बदले में तुम्हें आजादी मिलेगी। आजादी? मैं यहाँ परसों से हूँ, परसों बरस से, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में मुझ जैसा निर्दयी दुष्क्रूर चील दूसरा नहीं हुआ, ना कभी होगा। और इतने सालों में मुझे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने का सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, सिर्फ एक ही बार मैं अपना रूप बदल सकता हूँ जिंदगी में, सिर्फ एक बार। इसीलिए मैं अपना चेहरा तुझ जैसा नमूना बनने के लिए नहीं बदलूंगा, ना कब। जानता हूं तुम अपनी रूप बदलने की शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार कर सकते हो, इसलिए तुम्हें इसका रूप लेना होगा। अच्छा, और फिर? और फिर तुम्हें आदि नागिन के पास जाना होगा। और फिर? और फिर हम तुम्हें बताएंगे कि आगे करना क्या है। और एक बार काम हो गया फिर? उसके बाद तुम हमेशा के लिए आजाद, और सिर्फ आजादी ही नहीं, चीलों के खजानों से तुम्हें बड़ा हिस्सा मिलेगा उसके बाद। खजाना? आजादी? शकुरा को आजादी बरसों के बाद? हाँ, क्योंकि जय के पास चाबी है, जादुई चाबी। और ये चाबी तब तक हमारे पास रहेगी जब तक हमारा काम खत्म नहीं हो जाता मेरे कब्जे में, और एक बार काम खत्म। ठीक है, मंजूर मंजूर, सौदा मंजूर। ऐसे मैं अपना ध्यान नहीं भटका सकती। इस राज के बारे में तो मैं बाद में पता लगाऊंगी, लेकिन पहले मुझे जैसे मिलना होगा ताकि उन चीलों को मिटाने का रास्ता खोज सके।
है क्या? और ये इसे बाहर क्यों आया है? इसे भूख क्या रहा है? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस पत्थर को छू लूं, लेकिन अगर इसने मुझे कोई नुकसान दिया तो कर रहा है। जी बड़े पापा। बड़े पापा क्या हुआ? ये रेत वाली घड़ी कालगणक। हाँ देखिए, कालगणक तो फिर से शुरू हो गया, रेत फिर से गिरने लगी है। इसका मतलब कहीं वीर को नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वीर कहाँ है तू? इधर आ जल्दी।